करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने फेसबुक अकाउंट हैक को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप जी, कल जिस तरह से फेसबुक पर आपका जो आया था, जिस मैसेज जो डाला था आपने, क्या था ये पूरा? देखिए, मैं कार्यक्रम में गया हुआ था, मैं कार्यक्रम से लौटा तो मेरे कार्यकर्ताओं ने और घर में तेजस्वी जी ने बताया कि भैया आपका अकाउंट को हैक कर लिया गया और अनाप शनाप लिखने का काम हुआ। ये बीजेपी और आरएसएस का चाल है इस तरीके का। और तेजस्वी जी का भी अकाउंट को पिछला बार हैक कराया गया था, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के अकाउंट को भी हैक कराया गया था। तो ये तमाम जो लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि हम लोग का जो दिन पर दिन जो कार्यक्रम हर एक जगह लग रहा है, लोकप्रियता जो हम लोग का बढ़ रहा है, उससे लोगों को जलन हो रहा है, जिसका ये कारण है। एफआईआर करेंगे? काहे नहीं एफआईआर करेंगे। कोई हमारे घर में घुसने का काम करेगा और उल्टा पुल्टा काम करना काम करेगा तो उसको छोड़ देंगे, हम बख्शेंगे नहीं, एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बताते चले आपको, आरजेडी नेता के फेसबुक अकाउंट से हाल ही में एक पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि वो राजनीति से तंग आकर सियासत छोड़ने जा रहे हैं। उनके इस पोस्ट के बाद से ही बवाल होना शुरू हो गया था। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।